So hello and welcome back to my channel. In the last video, we were discussing the Indus Valley Civilization's introduction. कि वो उनके क्या क्या founders थे, वो उनके क्या lifestyles थे, क्या characteristics थी, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की हमने कुछ बात की. In this video, we are going to have a look on the socio-economic life of the Indus Valley Civilization's people. So in this video, we will be discussing the lifestyle, amusement ways, उनकी rural और urban life किस तरह की थी, वो किस तरह से trade करते थे, उनकी seals जो हमें मिली वो कैसी थी, उनका religion, उनके funeral customs और then we will conclude the video. तो हम start करते हैं उनके lifestyle से, socio-economic life से. उनकी life बहुत systematic और बहुत organized थी, urban culture ज़्यादा dominant था उनमें, और ज़्यादा कहा जाता है कि they were very advanced in town planning. मैंने last video में भी ये बताया कि उनके जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत सिस्टमेटिक थी, बहुत ऑर्गेनाइज थी, और उनके एरिया में बहुत सी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस थी ज़्यादातर, लेकिन उनकी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी. ट्रेडिंग का भी बहुत जिक्र आता है, लेकिन एग्रीकल्चर पे उनका ज़्यादा डिपेंडेंस थी. रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाइड बाई मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस, ये हम आगे जाके उनके रिलीजन्स में भी डिस्कस करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप करते थे, और उनका जो कल्चर था, सोसाइटी थी, वो सेक्युलर थी, कोई इतना ख़ास रिलीजियस इम्पैक्ट नहीं था. अब हम बात करते हैं लिविंग स्टाइल ऑफ पीपल, मैन एंड वुमेन. सबसे पहले देखते हैं कि उनकी लाइफ किस तरह की थी. उनकी लाइफ बहुत लग्जरियस थी. उनकी जो हमें रेमिनेंट्स मिले हैं, जो रेलिक्स मिले हैं, जो उनके हमें रिमेन्स मिले हैं, उनसे हमें ये पता लगा है कि दे वर स्पेंडिंग अ वेरी लग्जरी लाइफ. उनके जो डेली फूड था उसमें वो बीफ, मटन, पोर्क, फिश, कॉर्न प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क यूज़ करते थे. अब मेन की अपेरेंस किस तरह से थी कि वो कॉटन गारमेंट्स पहनते थे. एट द लेफ्ट शोल्डर दे यूज टू वेयर द शॉल, धोती फॉर द लोअर पार्ट, और उनकी जो फेस कट या फेस लुक था, या तो शॉर्ट बियर्ड एंड विस्कर्स, विस्कर्स हम छोटी मूछों को कहते हैं, और ज़्यादातर उनके बाल लंबे होते थे जो कि उन्होंने पीछे की तरफ कॉम्ब किए होते थे या सर पे बांधे होते थे एज अ बन. तो मेंस की अपेरेंस इस तरह की थी, जबकि वुमेन जो थी वो फॉन्ड ऑफ फैशन एज एवरी टाइम, और कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स पहनती थी और कॉस्मेटिक्स यूज़ करती थी वुमेन्स, और हेयर स्टाइल से बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी. उनकी जो हमें चीज़ें मिली हैं उनसे हमें पता लगता है कि वुमेन वर वेरी फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी एट दैट टाइम. वो डिफरेंट ऑर्नामेंट्स यूज़ करती थी, गोल्ड की, सिल्वर की, और कुछ ख़ास पत्थरों की. लेकिन जो गरीब लोग होते थे वो बोन्स से शेल्स की और बीड्स वगैरह की ज्वेलरी बनाकर यूज़ करते थे. एंड द ज्वेलरी वॉज कॉमन लाइक नेकलेस, गर्डल्स, फिंगर रिंग्स, नोज स्टड, इस तरह की चीज़ें जो कि होती हैं ज्वेलरी में, ये सब चीज़ें कॉमन थी. और सिर्फ औरतें ही नहीं, वहाँ के मर्द भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे. तो अम्यूज़मेंट के लिए वो किस तरह की गेम्स वगैरह या क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी, सबसे पहले तो वो जो प्ले थिंग्स उनकी चीज़ें थी, वो गेम बोर्ड खेलते थे डाइस पीसेस के साथ. मार्बल्स, बॉल्स, टॉयज़, ये सारी चीज़ें जो हमें मिली हैं उनसे हमें ये पता लगता है कि वो इन चीज़ों से अम्यूज़मेंट करते थे. चेस खेलते थे. एंड अदर पास टाइम फॉर एल्डर्स वर बुल फाइटिंग एंड हंटिंग द एनिमल्स. हंटिंग और बुल फाइटिंग भी उनकी अम्यूज़मेंट के एक तरीकों में एक थी. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ रूरल एंड अर्बन की. रूरल इकोनॉमी उनकी, जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर पे उनका ज़्यादातर ध्यान था, ज़्यादा उनकी जो मेन ऑक्यूपेशन थी, मेजर जो डेवलपमेंट भी हुई हुई थी वो एग्रीकल्चर में थी. ज़्यादा पॉपुलेशन थी, लार्ज पॉपुलेशन थी, तो उनको फीड करने के लिए लार्ज स्केल पे फूड ग्रेन कल्टीवेट होते थे. और अर्बन पॉपुलेशन के साथ वो लोग विलेजेस में, जाहिर बात है, रिजाइड करते थे. ज़्यादातर वो विलेजेस में रहते थे क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में ही होती है. लाइफ स्टॉक उनके पास मवेशी थे, डेयरी फार्म था, पोल्ट्री फार्म्स थे, और ज़्यादातर जो शहरों में वो बेचते थे या देते थे एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग में भी जो चीज़ें लेकर आते थे वो उनकी वीट थी, बार्ले, कॉटन और डेट पाम्स, इन चीज़ों की वो तिजारत भी करते थे एग्रीकल्चर के साथ साथ. अर्बन इकोनॉमी उनकी इंडस्ट्री से बढ़ती थी कि वो घर में कपड़ा बनाते थे, एंड प्रोफेशनल क्लासेस होती थी पॉटर्स की, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की, कारपेंटर्स की, मेसन्स की, ज्वेलर्स की, तो ये उनकी प्रोफेशनल क्लासेस होती थी. और उन सब में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मिलता था वो पॉटर्स को मिलता था कि वो जितने खूबसूरत पॉट्स बनाएंगे, जितने खूबसूरत वो बर्तन बनाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा उनको क्रेडिट दिया जाएगा. और ज़्यादातर जो पॉट्स थे वो व्हील टर्न थे, और पॉलीक्रोम पॉटरी डिस्कवर्ड फ्रॉम एम्प्टी 70 miles फ्रॉम मोहनजोदड़ो, एंड क्राफ्ट्स एंड प्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रोंज वेसल्स, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्नामेंट्स. और वहाँ से हमें एक ब्रॉन्ज फिगर भी मिला था एक डांसिंग गर्ल का, जिससे हमें पता लगता है कि उनकी जो क्राफ्टमैनशिप थी, हाथों से बनाने वाली चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा डेवलप की हुई थी उन लोगों ने. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स.
ट्रेड और कॉमर्स में काफ़ी ज़्यादा लोग इंगेज थे, जैसा कि मैंने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद दूसरी बड़ी जो हमारे पास हमें मिलता है ज़राए आमदोरफ्त वो है एग्रीकल्चर ट्रेड। वो बुलेट ड्राइवन कार्ट्स यूज़ करते थे एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुँचाने के लिए, और ज़्यादातर वो जो ट्रेड करते थे वो वेस्ट एशिया और इजिप्ट के साथ करते थे, और हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि वो सुमेरियंस के साथ ट्रेड करते थे। एंड लोथल जो था उनका ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट था, और बहुत ज़्यादा डॉक यार्ड्स और शिप यार्ड्स वहाँ पर बनाए गए थे फॉर ट्रेड पर्पसेस। और हमें इंडस सील से पता लगता है, जो सुमेरिया के रूनस थे ना उनके बारे में भी हमें पता लगता है। सील्स होती क्या है, हम पहले ज़माने में ये होता था ये हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो के कल्चर में, एक क्ले से और मिट्टी से या सीमेंट से एक सील बना देना, एक नक्श बना देना, उस पर कुछ लिख देना, तो वो एक हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं सील्स की फॉर्म में। हमें उनसे पता भी लगता है कि वो किस तरह के होते थे। एक तो वो स्क्वेयर शेप में होते थे, ज़्यादातर स्टे टाइट के बने हुए होते थे, और हमें 2000 से ज़ायद सील्स मिली हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से, और वो यूज्ड फॉर सील पैक्ड गुड बिफोर सेंडिंग देम टू प्रॉपर डेस्टिनेशन, यूज्ड बाय द कस्टम अथॉरिटीज एंड क्रेविंग ऑन द सील्स। अब वो सील्स पे क्या क्या क्रेव करते थे, क्या क्या लिखते थे उस पर, वो उस पर ह्यूमन बींग्स बनाते थे, गॉड्स और गॉडेसेस की शक्लें बनाना, एनिमल्स की, मिथोलॉजिकल फिगर्स की, और उस पर बहुत ज़्यादा हमें साइन लैंग्वेजेस भी मिलती हैं जिनका हमें आज तक नहीं पता। तो सील्स से हमें बहुत कुछ पता लगा है हड़प्पा मोहनजोदड़ो बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलीजन। जैसा कि मैंने बताया कि उनकी सोसाइटी सेक्युलर नेचर की थी ज़्यादा, लेकिन उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस भी बहुत ज़्यादा थे। हमें जो उनके सील से, स्टैचूज वगैरह से पता लगता है कि उनका जो रिलीजन किस तरह से था, उनकी एक फीमेल फिगर आइन थी मदर गॉडेसेस, जिसको क्रीसेंट शेप का हेडड्रेस उसका था, और उसको कहते थे कि ये मदर गॉडेस है हमारी। और ये सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर के प्री आर्यन एज से हमें शक्ति कल्ट मिलता है एक, और सील्स जो थे जिन पे मेल गॉड के इंप्रेशंस मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन उनमें गॉड था वो था थ्री फेसेस वाला, जिसको इंडियन लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमें मिथिकल कुछ एनिमल्स मिलते हैं, यानी स्नेक्स मिलते हैं, पीपल के और नीम के दरख्तों की क्रेविंग्स हैं उसमें, और फिर वो स्वास्तिक और व्हील मतलब सन गॉड सूरज की भी पूजा करते थे। कोई एक उनका रिलीजियस वे नहीं था, वो बहुत ज़्यादा चीज़ों की वर्शिप करते थे। अब हम बात करते हैं फ्यूनरल कस्टम्स की। अब वो किस तरह से लोगों को, जब कोई मर जाता था तो वो तीन तरीकों से फ्यूनरल कस्टम्स करते थे। सबसे पहले तो कंप्लीट बरियल, यानी कि एक पॉट में या एक बड़े संदूक में या किसी भी चीज़ में पूरी डेड बॉडी डाल के उन्होंने दफना दी, डैट विल बी द कंप्लीट बरियल। अब वो करते थे फ्रैक्शनल बरियल, यानी कि बोन्स अलग करके, स्कल्स अलग करके, वो अर्न कहते हैं एक ऐसी पॉट को कहते हैं, एक ऐसी शेप को कहते हैं, मटका टाइप एक चीज़ होती है जिसके अंदर लोगों की, वो जिस तरह इंडिया में जिस मटके के अंदर अस्थियां रखते हैं उसको अर्न बोलते हैं। तो इसी तरह वो फ्रैक्शनल बरियल इस तरह करते थे कि वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स जो थे ना वो उसमें रखे, तो डेड पर्सन की उसमें रखे, तो वो डैट विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्यूनरल कस्टम। और एक होता था पोस्ट क्रीमेशन बरियल, उसमें वो क्या करते थे, डेड बॉडी को जला के, जैसे अब इंडिया का रिचुअल है, डेड बॉडी को जला कर उसकी जो एशिज होती थी ना, बोन्स की एशिज जो होती थी, उनको वो उस डालते थे मटके के अंदर और उसको घर की ज़मीन के नीचे दफना देते थे। तो ये उनके फ्यूनरल कस्टम्स थे जो तीन तरह के थे। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एक हिस्टोरियन था, आर्कियोलॉजिस्ट था, उस एसआर राव, उसने इंडस पीपल के बारे में, लोगों के बारे में ये ओपिनियन दिया था कि वो लोग, एक तो सेक्युलर आउटलुक हमें मिलती ही मिलती है उनके सारी जो हमें सील्स वगैरह मिली हैं, उनके सारी रेमिनेंट्स वगैरह मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि जो ये कहा था आर्कियोलॉजिस्ट ने कि जो इंडस पीपल हैं वो पायनियर हैं, फाउंडिंग एन एम्पायर इवन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सरगुनित एम्पायर इन मेसोपोटामिया। वो कहता है कि मेसोपोटामियन एम्पायर बनने से पहले ही इन लोगों ने एक, ये पायनियर हैं सरगुनित एम्पायर के जो इंडस पीपल हैं, और इनकी जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बड़ा सेक्युलर आउटलुक देती है हमें, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमें जो शवाहिद मिलते हैं जिन चीज़ों के, कि उनकी सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी थी, टाउन प्लानिंग बहुत सिस्टमैटिक थी, पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम्स अच्छे थे, उनकी ट्रेड में बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी उनकी ट्रेड होती थी, रेगुलेशन थी बहुत ज़्यादा, इंट्रोडक्शन टू वेट एंड मयर एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, उनका ट्रेडिंग सिस्टम भी बहुत आउटक्लास था। सो दीज वर ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।